अब ये देखें, ये गर्मियों में जो है ना हर वक्त ये मसला होता रहता है, पानी का मोटर जल गया, पंप खराब हो गए, मतलब ये मसले जो है ना सिर्फ गर्मी में ही आते हैं, सर्दी में ये चीज़ें महसूस ही नहीं होती। ये 3 दिन से ये पंप बंद पड़ा हुआ है, तो कल तो छुट्टी थी और परसों जो है ना मैं अपने काम पे मसरूफ़ था, अपने DA पे मसरूफ़ था, तो नहीं आना, मतलब नहीं आ सका मैं, तो आज मैंने छुट्टी ली, अपने काम से खुद मैंने छुट्टी ली है, तो आया हूँ उस मोटर को बनाने के लिए। रंचो लाइन, अरे रंचो लाइन का इलाका, यहाँ पर मैं आया था। अच्छा, इसके पीछे ये सामने आप इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे एबी भाई का घर है। एबी भाई कल रात को कह रहे थे कि भाई आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, फलाना है ढिमकाना है। भाई वीडियो तो आते हैं मगर आपका पता नहीं नोटिफिकेशन ऑफ होगा, आप चेक कर लें एबी भाई, आपकी मेहरबानी होगी। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। कभी पानी का मोटर खराब तो कभी बिजली नहीं। वैसे मेरा नाम है अर्शद बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है एच बलोच। बड़े मुसीबत है भाई यहाँ पर रहना यार, सुबह सुबह ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। पीछे 2 बच्चे बैठे हुए थे, वो मैं मतलब कैमरा को देख के बोल रहे वीडियो बना रहे हो ना, बोले किस चीज़ के लिए? यूट्यूब के लिए। यूट्यूब में अपलोड करोगे? जी भाई, यूट्यूब में ही अपलोड होगा। चैनल का नाम मैंने बोला एच बलोच। अच्छा, मतलब कुछ लोगों के लिए नया है और कुछ बच्चे जानते हैं कि व्लॉगिंग हो रही है। ये देख लें, ये कोई बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ, ना कोई बरसाती है, पानी है। ये जो है ना तकरीबन आज से 5 दिन पहले ये जो है ना, तो ये मेरे पीछे बैक साइड पे ये पंप है, मतलब सेवरेज पंप है, यहाँ से जो है ना पानी ड्रेन करके लियारी नदी भेजते हैं। मगर आज 4-5 दिन से ये पंप को पता नहीं क्यों बंद किया गया। कुछ लोग कहते हैं पंप ख़राब हो गई है, उसे बनाया जा रहा है। मतलब 5 दिन तक यार कौन पंप, कौन सा दुनिया का पंप बनता है 5 दिन तक? एक छोटे से पंप को बनाने के लिए 5 दिन लगते हैं, अजीब सी बात है। और ये सारे पाइप लाके इधर गिरा दिए। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को बताता चलूँ, इस पानी को जो है ना हमारे पीने के पानी के लिए भेज भी देते हैं घर पे, जैसे वाटर सप्लाई वाले यही पानी हमारे घरों में भेजते हैं कि भाई ये पानी पियो तुम लोग, मतलब ये पीने के लायक। ये गटर का पानी है, उसमें पता नहीं कितनी गलाजतें मिक्स हुई है। ये कुछ हालात हैं हमारे लियारी के। मस्जिदों में पानी घुसे हुए, लोगों के घरों में पानी घुसे हुए, यही पानी, ये गटर का पानी। और जो है अब किसको क्या बोलें, किसी पार्टी को ब्लेम भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये शुरू दिन से जो है ना ये चीज़ चलता आ रहा है लियारी के साथ। ये मतलब जैसे यूट्यूबरों को कंटेंट चाहिए ना, ये कंटेंट है सियासी लोगों का। लोगों को यहीं पर उलझाओ, पानी बिजली गैस सेवरेज, यहाँ पर लोगों को उलझाओ और जो है अपनी मस्तियाँ करते रहो बीच में। अब ये देखें गाड़ी का टायर देख लें कितना पानी के अंदर गया, आप लोग सोच लें कितना पानी होगा। इस हालात में जो है ना कौन सा बंदा बैठ के जो है इधर, पता नहीं यार क्या होगा। बस लोग कहते हैं कि अल्लाह हिदायत दे ना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑप्शन ही बंद कर दिया हिदायत देने का। अब एक ही ऑप्शन खुला हुआ है, अल्लाह इनको गर्क करे, सीधी सी बात है। जहाँ पर ये नज़र आते हैं ना खून खोलने लगता है, मतलब ऐसे ये बीमारियाँ यहाँ पर मच्छरें पैदा होती है यहाँ पर जो है ना लोगों के घरों में, पता नहीं। अल्लाह इनको गर्क करे यार, हम तो यही बददुआ कर सकते हैं बस। जो है ना ये सेवरेज पंप है, ये पूरा कंपाउंड जो बना हुआ है ना इसके अंदर सेवरेज पंप है। वैसे ये छोटा दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था, मगर आज जो है ना ये 5 दिनों से ये बंद पड़ा हुआ है, कोई इसके अंदर जा ना पाए, देख ना सके कि वाकई में जो है ना ये पंप ख़राब है या लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि इस पंप के नाम पर
कि पंप बंद है, फलाना है, ढिमकाना है, सिर्फ पाइपें ला के गिरा दिए यहाँ पे और कुछ हो ही नहीं रहा है। अब लोगों के घरों में पानी जा रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? बीमारियाँ पैदा हो रही है, उसको जो है ना इस मसले को कौन हैंडल करेगा? कोई बोलने वाला नहीं है। ये देख लें, सामने एपिकेट्स स्कूल है, ठीक है, इसी पानी की वजह से वो भी बंद पड़ा हुआ है। बच्चे यहाँ पर आ नहीं सकते पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए। मतलब ये गली गलियों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। अब इसको सारी ज़िंदगी हम यही कंप्लेन करते रहे, पानी नहीं आ, पानी नहीं है पीने का, और गटरों का पानी उबल के बाहर आ रहा है, बिजली नहीं है हमारे यहाँ, गैस नहीं है, मतलब उम्र भर हम यही कंप्लेन करते रहे और कामों में हाथ ही नहीं डालें। और इससे कितनी मतलब कितने लोगों का रोज़गार जो है ना डिस्टर्ब हुआ हुआ है। मेरा खुद का काम बंद पड़ा हुआ यही गंदगी के वजह से। एक दिन मतलब काम मत करो तो उस दिन जो है ना खाना खाना दुश्वार है। अब पता नहीं क्या होगा हमारा, कैसे रहेंगे हम इस मुल्क में।